आठ एक नंबर। क्या आप भी जीरो पे आउट हो रहे हो या आपके रन नहीं बन रहे हैं या 20 से 30 रन बन के आप आउट हो जा रहे हैं, के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बता सकते हैं हमें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या आपको जो है कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारी जो वीडियो होगी आज जो है वो ये है कि कैसे आप जो है अच्छे रन बना सकते हैं और कैसे आप जो अपने 40-50 रन है उसको बड़े रन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं बैट्समैन के लिए है जो 20-30 रन बना के आउट हो जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोई बैट्समैन जाता है शुरू में और 10-15 रन बनाता है लेकिन उसके बाद आउट हो जाता है, तो ये सबसे जो अगर आप देखोगे ये दिक्कत कहाँ आती है और कब आती है, ये दिक्कत तब आती है जब आपका फोकस जो है लूज हो जाता है। तो जब भी आपका फोकस जो है कम होगा तो आपके साथ ये दिक्कतें रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना आना चाहिए। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का क्या मतलब है, अगर आप देखते हो जितनी भी आप बैटिंग करते हो, जितनी देर आप बैटिंग करते हो, तो आप क्या है जब भी आप स्ट्राइक पे जाते हो तो आपका जो है जब बॉलर रनअप पे आ रहा है तो आपका स्विच ऑन होना चाहिए। जैसे ही बॉल डिलीवर हो गया उसके बाद आपका स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उस बॉल पे हमने क्या करा या कुछ गलत हुआ उसके साथ, तो वो अगर आप सोचोगे तो आप धीरे धीरे जो है नेगेटिव की तरफ जाते चले जाओगे। उससे क्या है कि आपका जो टेम्परामेंट है वो आप लूज कर जाओगे और आप आउट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें जितना हो सकता है अपने आप को काम रखें और हर बॉल को अकॉर्डिंग टू बॉल खेलें। ऐसा नहीं है कि आप प्री प्लान खेलें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं करता हूँ एक मैच की, कि हम मैच में जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जब भी हम मैच में जाते हैं एज एन ओपनर, अगर मैं बैट्समैन एज एन ओपनर जा रहा हूँ तो मुझे कोशिश करना है कि शुरू की जो 10-15 मिनटें हैं वो बॉलर्स को देनी है। आप वो किस लिए देनी है, वो इसलिए कि आप जो है विकेट की कंडीशन समझें, वेदर कैसा है उसको समझें और कैसे बॉलर्स हैं उनकी टीम के पास, कहाँ वो आपको अटैक कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप उनकी जो पॉइंट्स हैं, दूसरी टीम के पॉइंट्स हैं और वो कहाँ पे आपको पॉइंट कर रहे हैं, कहाँ पे वो सोच रहे हैं कि आपको आउट करना है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब अटैक करना है और कब नहीं करना। अब बात करते हैं हम जब भी हम अपनी इनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको कोशिश करना है कि वी में खेलना है। सामने सामने खेलोगे तो आपको क्या है, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा जब आपका बॉल मिडल होगा, तो आपको धीरे धीरे क्या करना है, सिंगल करना है, सिंगल कन्वर्ट करना है। ये नहीं है जाते नहीं आपको हिटें मारनी है। तो कोशिश करना है कि आप नॉर्मली धीरे 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 अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अपने जो बॉल आप मिडल करोगे उससे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करते हैं हम कि एक जैसे अगर हम T20 खेलते हैं तो उसमें हमें 20 ओवर मिलते हैं, 20 ओवर में हम 5 से 6 या 7 बॉलर यूज़ करते हैं। जब तक आपको पता ना हो कि उनके पास कैसे बॉलर हैं तब तक आप कोशिश करें कि अपना नॉर्मल गेम खेलें। जहाँ भी आपको लगता है कि ये बॉलर इसका दिन नहीं है आप उस पर अटैक कर सकते हो, तो आप क्या है ज़्यादा रन बना सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे हम तकरीबन 180 चेज कर रहे हैं तो हमें नॉर्मली 9 रन का पर एवरेज जो है पर ओवर हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने जो पावर प्ले है उसका यूज़ करना है। जैसे अभी हम सोचें कि अगर हमें एक छोटे छोटे पार्ट्स में जो है आपको रन डिवाइड करने हैं, कि हमने 6 ओवर में जो है 50 रन बनाने हैं, फिर अगले 4 ओवर में हमें 30 रन बनाने हैं, उसके बाद हमें 100 रन बनाने हैं, उससे क्या है कि आपको ना एक आइडिया रहेगा और आपको गेम की अवेयरनेस रहेगी कि हम कहाँ तक अपने गेम को लेके जा सकते हैं। तो ध्यान रखें इस बातों का, इन पॉइंट्स का, कि कैसे आपको रन बनाने हैं। कोशिश करें, क्योंकि कोई भी बॉलर इतना परफेक्ट नहीं है कि आपको 6 बॉल बिल्कुल, आपको 6 से 6 बॉल जो है आपको वो बिल्कुल परफेक्ट लाइन पर डाल सकता है। हर बॉलर जो है आपको 1 से 2 बॉल पर ओवर आपको गलत देता है। बस आपको कोशिश करनी है वो जो है कन्वर्ट करना है, उनको स्कोर में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे आप उनको कन्वर्ट करोगे आपके जो स्कोर्स हैं वो बनने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश करें जितना हो सकता है अपने आप को काम रखें, फोकस करें और अकॉर्डिंग टू बॉल जो है अपना खेलें, अकॉर्डिंग टू आपको गेम जो है आपकी गेम प्लानिंग आपको पता होनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।